हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर, माई सेल्फ अंकुश कुशवाहा। तो हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड पढ़ रहे हैं, जिसका यूनिट फर्स्ट अभी चल रहा है। और पिछले लेक्चर में हमने बात किया था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर, यानी आरसी सर्किट में जो कैपेसिटर होता है उसके चार्जिंग का क्या एक्सप्रेशन होता है, वो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था। तो ये सर्किट आपको दिया था पिछले लेक्चर में हमने, और इसी के बेसिस पर जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे। तो आज की क्लास में उसी के आगे बात करेंगे। जैसे आपने एलआर सर्किट में जब पहले ग्रोथ ऑफ करंट देखा था, तो उसके जस्ट बाद अगला टॉपिक आप था डीके ऑफ करंट। तो ऐसे ही आरसी सर्किट में जब आपने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट टॉपिक यानी आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर, यानी जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो उसके बाद जब इसकी डिस्चार्जिंग की कंडीशन को देखेंगे तो डिस्चार्जिंग के लिए क्या एक्सप्रेशन आता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज कैसे डिक्रीज होगा, ये कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कुछ भी स्पेशल नहीं है इस बार भी, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने देख लिया था कि सारी चीज़ें एलआर सर्किट से मैच करती रही सब कुछ। और एलआर सर्किट में हम लोग हर एक बात करंट के टर्म में करते थे, और सीआर सर्किट में हर एक बात चार्ज के टर्म में करेंगे। तो अगर चार्जिंग का केस आपको क्लियर है तो डिस्चार्जिंग भी सेम चीज़ है। देखिए इसमें करना क्या है, चार्जिंग के लिए सबसे पहले आपने किया क्या था, जब आपने ए को बी से कनेक्ट किया, इस सीरीज सीआर सर्किट में जब आपने ए को बी से कनेक्ट किया, तो ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो गया, और चार्ज होते होते जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तब आपने क्या किया, तब आपने इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, और एक्सप्रेशन आया था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन सी आर। और ये जो टर्म सी आर यहां पर आया था, इस सी आर को आपने टाउ या लैम्डा बोला, जिसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर, तो ये तो आपने तब फाइंड आउट किया था, तब पाया हुआ था जब ए को बी से आपने कनेक्ट किया था, यानी कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। तो जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए और हम ए को बी से डिसकनेक्ट करके सी के साथ कनेक्ट कर दें, ए को बी से डिसकनेक्ट करके हम ए को सी से कनेक्ट कर दें, और इससे पहले ही आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो अब देखिए क्या होगा। अगर आपका कैपेसिटर पहले ही फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो जुड़ा था उसके पास पॉजिटिव चार्जेज आ गए थे या पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया था, नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया या नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। इसका मतलब कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था। तो ठीक है, इसके अगर अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, और अभी आपने जब ए को सी से कनेक्ट किया है, दैट मीन्स आपने सी आर सर्किट से इस सोर्स को, इस ई एम एफ को हटा लिया है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो आपका ई एम एफ है अभी वो सी और आर के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये जो ई एम एफ है वो इस वाले पार्ट में कनेक्टेड है, और इसमें आपका सी और आर नहीं लगा हुआ है। तो सी आर सर्किट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपका ई एम एफ इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। तो जब आप ए को सी से कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स आपने इस ई एम एफ को इस सर्किट से हटा लिया है, और जब आप इसको हटा लेंगे तो क्या होगा कि कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर हायर पोटेंशियल है इधर लोअर पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, यानी ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पर इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, और जब करंट फ्लो होगा दैट मीन्स इस कैपेसिटर का जो चार्ज है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होने लगेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज जब डिक्रीज होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो जब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगा, हम ए को सी से कनेक्ट कर देंगे और ये बी और सी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसे केस में जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना होगा, तो हम ये मान रहे हैं कि एट एनी इंस्टेंट टी, किसी टाइम टी पर डिस्चार्जिंग के दौरान अगर हम ये मान लें कि उसके पास जो चार्ज है वो क्यू है किसी टाइम टी पर, तो एट एनी इंस्टेंट टी, क्योंकि डिस्चार्ज होते होते चार्ज इसका धीरे धीरे कम हो रहा है, तो शुरुआत में तो इसके पास फुल्ली चार्ज था, यानी क्यू नॉट चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज था, लेकिन जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा इसका चार्ज डिक्रीज होता जाएगा। तो हमने यही माना कि किसी टाइम टी पर
ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देयर इज क्यू चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो अगर कैपेसिटर के प्लेट्स पर क्यू चार्ज है एट एनी टाइम टी, देयर इज क्यू चार्ज लेफ्ट ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और ये कब हम बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था उस दौरान हमने माना किसी टाइम पर, मान लीजिए जो चार्ज बचा है वो क्यू है। तो आप बताइए कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए का ये फार्मूला होता है चार्ज अपान कैपेसिटेंस। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा चार्ज अपान कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना, और ईएमएफ तो हमारा उस सर्किट में है नहीं। अगर ईएमएफ होता जैसे कि चार्जिंग वाले केस में ईएमएफ भी था ये वाला है ना ड्राइव, ये अप्लाइड ईएमएफ, और यहाँ पर जो ये ईएमएफ था वो इस ईएमएफ को अपोज कर रहा था, तो इसको हम बैक ईएमएफ बोलते थे। तो चार्जिंग आप कैपेसिटर में क्या करते थे, नेट ईएमएफ निकालते थे, नेट ईएमएफ इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ माइनस ये बैक ईएमएफ। तो इसका डिफरेंस करते थे, दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर, करेंट इंटू रेजिस्टेंस करते थे। लेकिन अभी इसमें इस सर्किट में सीआर सर्किट में हमारा ये ईएमएफ नहीं है, ये बैटरी नहीं है, तो सिर्फ वही जो ईएमएफ है इसी ईएमएफ की वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये ईएमएफ या वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, कैसे हमने लिखा ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्लियर है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। अच्छा अब इसमें जो आई है, वैसे तो आई का मतलब आप जानते हैं, आई इज द करेंट दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना चार्ज फ्लो होता है यानी एक सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करेंट कहते थे। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आप देखिए पिछला वाला जो लेक्चर था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको आप देख लीजिए, ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में जब हम आई का एक्सप्रेशन लिखते थे, हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में जब आई की जगह पर आते थे तो आई इक्वल टू लिखते थे डी क्यू अपान डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चार्जिंग के केस में पिछले लेक्चर में जो हम आई इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी लिखते थे वो प्लस में इसलिए लिखते थे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा था। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, यानी टाइम भी इंक्रीज हो रहा था और चार्ज भी इंक्रीज हो रहा था, तो ये पॉजिटिव। लेकिन इस कंडीशन में आप देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है मतलब कि चेंज इन जो चार्ज है ना, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल करेंगे तो ये जो चेंज इन चार्ज है इसको हम माइनस दिखाते हैं। और ये माइनस इसी बात को पॉइंट आउट करता है कि विथ इंक्रीज इन टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज डिक्रीजेज, ठीक है। तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ध्यान रखना है आपको, क्यू डिक्रीजेज, क्यू कह लीजिए यानी हम पूरा लिख दे रहे हैं इसको, यानी कि ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि चार्ज इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब टी जब इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसी बात के लिए हम यहाँ माइनस लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका क्यू बाई सी इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, ठीक है। और इस इक्वेशन को आपको जैसे हर बार आपने किया है वैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे चार्ज के लिए। ये तो हमारा चार्जिंग के केस में एक्सप्रेशन आया था, तो डिस्चार्जिंग के केस में देख लेते हैं कैसा एक्सप्रेशन आएगा। देखिए डी टी को इस साइड कर देते हैं, डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा ये आर है और ये सी, यानी सी आर और ये माइनस और क्यू और उसके साथ में क्या आ जाएगा, क्यू अपान में हो जाएगा और ये डी क्यू और अपान में क्यू। इसको आप कोई इक्वेशन मान सकते हैं, जैसे हम इसको एक वन नाम दे दे रहे हैं और इसको टू नाम दे दे रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन टू आया है इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन नंबर टू को इंटीग्रेट करेंगे, इसको हटा रहे हैं, ये को हमने सी से कनेक्ट किया है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर टू को इंटीग्रेट करेंगे, आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू वी विल गेट डी टी का इंटीग्रेशन टी इज इक्वल टू माइनस सी आर और देखिए डी क्यू अपान क्यू, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्यू इंटीग्रेट करना है और अपान में क्यू है, तो अपान वाले फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग के फॉर्म में आता है, तो लॉग क्यू हो जाएगा और बेस ई, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो कोई इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट भी आ जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर थ्री, क्लियर है। तो अब आपका टारगेट सिर्फ इतना है कि आप किसी भी तरीके से इनिशियल कंडीशन वगैरह यूज करते हुए
इंटीग्रेशन कांस्टेंट पता करके उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए और फिर इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दीजिए इस फॉर्म में, तो आपको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, इनिशियल कंडीशन। और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में जो इनिशियल कंडीशन हमारा यहाँ पर है वो ये है कि जब हमने डिस्चार्जिंग स्टार्ट किया यानी एट अ टाइम टी इक्वल टू जीरो, कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज था, और कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज था दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पर यही है कि एट टी इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये जो इनिशियल कंडीशन है अगर हम इसको इक्वेशन 3 में यूज करें देन वी विल गेट टी इज इक्वल टू माइनस सी आर लॉग बेस ई, और क्यू की जगह पर पुट करना है आपको क्यू नॉट, और सॉरी यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करेंगे 0 और ये प्लस में ए। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस में आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आएगा सी आर लॉग क्यू नॉट बेस ई। और ये जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आया है उस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ए को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ए इन इक्वेशन 3 वी विल गेट, यानी कि ए की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, रिजल्ट विल बी टी इज इक्वल टू माइनस सी आर लॉग क्यू बेस ई और प्लस ए, ए इज इक्वल टू प्लस सी आर लॉग क्यू नॉट बेस ई, और यहां से आपको कॉमन लेना है माइनस ऑफ सी आर को। तो माइनस ऑफ सी आर को जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा लॉग बेस ई के साथ ये क्यू और माइनस लॉग बेस ई के साथ ये आपका दूसरा वाला पार्ट क्यू नॉट। चूंकि आपने माइनस को भी कॉमन ले लिया है तो ये वाला प्लस माइनस हो गया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला यूज करना है जैसे अभी तक के तीन टॉपिक में आप करते आए हैं, ग्रोथ ऑफ करेंट, डीके ऑफ करेंट इन एल आर सर्किट एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन सी आर सर्किट। इन तीनों ही टॉपिक में यानी पिछले तीन टॉपिक्स में आपने ये चीज़ यूज किया है वही चीज़ आपको यहाँ भी यूज करना है। तो ये हम हटा दे रहे हैं, चार्जिंग वाला जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ था इसको हटाते हैं और इसी जगह में इसको एडजस्ट करेंगे। तो देखिए क्या आ गया, टी इज इक्वल टू माइनस सी आर और इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे लॉग एम माइनस लॉग एन। हम फिर से फार्मूला लिख देते हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, log n बेस e, और इसको आप log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है log m अपान n और बेस e, यही फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, m की जगह पर q है, n की जगह पर q नॉट है, तो आप पा जाएंगे log बेस e और q नॉट। और ये जो टर्म आया है माइनस सी अपान आर माइनस सी आर, इसको हम इस t के अपान में लिख सकते हैं, तो t अपान माइनस सी आर मिल जाएगा, माइनस को यहां लिख दे रहे हैं इक्वल टू करके। अब इसके दोनों साइड आप क्या लेंगे, एंटी लॉग, तो एंटी लॉग जब लेते हैं एंटी लॉग का भी फार्मूला देख लीजिए, अगर ऐसा लिखा हुआ बी इज इक्वल टू लॉग ए और बेस ई, तो इसका जब एंटी लॉग लेते हैं, ये आर को हम यहां लिख देते हैं, इसका जब एंटी लॉग लेते हैं तो रिजल्ट ये आता है कि ए की जगह पर बी को लिखेंगे और बी की जगह पर ए को, और ये जो लॉग का बेस ई है वो वहां वाले नंबर का बेस बन जाएगा। तो जब a को यहाँ लिख देंगे तो यानी a इज इक्वल टू और b को यहाँ लिख देंगे b, और ये b का जो बेस है वो क्या हो जाएगा e, दैट मीन्स e पावर b। इस तरीके से होता है जब आप इस एक्सप्रेशन का एंटी लॉग लेते हैं तब। तो इसका भी एंटी लॉग अगर लेंगे तो ये पूरा टर्म e के पावर में जाएगा और ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, यानी कि q अपान q नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस t अपान सी आर, और यहाँ से q नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो q इज इक्वल टू q नॉट e पावर माइनस t अपान सी आर। और ये जो रिजल्ट आ गया, देखिए ये चार्ज के फॉर्म में आ गया कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस कैपेसिटर पर जो चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी ये जो कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो रहा है उस पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज का डिक्रीमेंट किस टाइप से हो रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियली ये चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज भी कैसे हुआ था, एक्सपोनेंशियली। तो जिस पैटर्न पर ये चार्ज हो रहा था उसी पैटर्न पर ये डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियली अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका आप ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन से भी तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
प्रीवियस लेक्चर की तरह, प्रीवियस टॉपिक्स की तरह इसके भी तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये आप चाहे तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, आप वहां से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम हटाते हैं। देखिए, अगर इसको हम हटा के इसका ग्राफ प्लॉट करें कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है उसका जो नेचर आ रहा है उसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा। तो अगर एक एक्सिस पर हम टाइम को एक्सप्रेस करें, एक एक्सिस पर टाइम को एक्सप्रेस करें और दूसरे एक्सिस पर चार्ज को, यही ना, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज में कैसे वेरिएशन हो रहा है उस कैपेसिटर के प्लेट पर, ये हमको चेक करना है। तो e पावर माइनस टी अपान सी आर यानी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज दिखाना है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिक्रीज है, और इस एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आता है या फिर इस तरीके का आता है, है ना। तो चार्जिंग का तो आपने देखा इस तरीके से इंक्रीज होता है, अभी डिक्रीज यानी डिस्चार्ज दिखाना है तो ऐसे आ जाएगा। और ऐसे में भी एक चीज यहां पर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप ये कहते हैं कि Q टेंस टू जीरो का मतलब समझ रहे हैं कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होते होते कब खत्म होगा, कब जीरो आएगा। तो क्यू टेंस टू जीरो, ये जीरो तभी आएगा जब ये वाला टर्म जीरो होगा, और ये वाला टर्म जीरो तब होता है जब इसके पावर में माइनस इनफाइनाइट आता है, और ई के पावर माइनस में इनफाइनाइट की वैल्यू होती है जीरो। तो e के पावर माइनस इनफाइनाइट तो तभी आएगा जब t की वैल्यू इनफाइनाइट लिखेंगे, क्योंकि ये c और r तो कॉन्स्टेंट्स है सर्किट के लिए। तो जब t की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो e पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स q इक्वल टू जीरो। तो q जीरो होगा जब, ये कब होगा, जब t टेंस टू इनफाइनाइट, जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, यानी डिस्चार्ज होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा, पूरी तरह से चार्ज को 100% चार्ज को खत्म करने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, और ऐसा ही चार्जिंग में भी हो रहा था। तो अगर हम ये मान लें कि इस ग्राफ में ये क्यू नॉट है हमारा, तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा है एक्सपोनेंशियली तो चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट। यानी इसका जब ग्राफ हम बनाते हैं तो ऐसा रखते हैं, इसका मतलब क्या, यहाँ पर ये लगभग पैरेलल दिखाया जाता है, जिसका मीनिंग ये है कि इस ग्राफ को जो कि नीचे जा रहा था उसको टाइम वाले एक्सिस को टच करते ये ग्राफ कहाँ तक पहुँच जाएगा, इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा। इन्फिनिटी पर पहुँच जाने का मतलब टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी, जब ये इसको टच कर देगा। टच करने का मतलब कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस चार्ज को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरीके का आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, दिस इज एक्सप्रेशन या ग्राफ फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो इस तरीके से चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ये पूरा एक्सप्रेशन डेरिवेशन हो गया, और आपने ग्राफ प्लॉट करके देख लिया, तमाम चीज़ें हो गई डिस्कस। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, हमने काफ़ी टाइम ले लेकर इन सभी टॉपिक को कवर किया है ना, आधे घंटे से कम में हमने किसी भी टॉपिक को इससे कम समय नहीं दिया है। तो चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करेंट, ये चारों टॉपिक आपके इस तरीके से हमने डिराइव कराए हैं कि एक एक चीज़ आपको समझ में आए कि कौन सी बात क्यों लिखी जा रही है, उसका रीजन क्या है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी इस डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के एक्सप्रेशन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक बात आप लोगों को बतानी है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस विद इन द टाइम पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश का मतलब ये है कि हम ये गारंटी नहीं इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कब कौन सी दुर्घटना हो जाए, कौन सा मतलब कौन सी बात हो जाए, ये किसी को पता नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि विद इन द टाइम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, आप अच्छे से एग्जाम दें, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें। ठीक है, और अगर क्लास लेने में कोई भी दिक्कत आती है तो आपको पीडीएफ नोट्स पूरा प्रोवाइड किया जाएगा और आपको गाइड कर दिया जाएगा, तो आप उसमें मतलब अगर समय की कोई कमी हुई या कोई और बात हुई, तो अगर टेक्निकल इश्यू कोई नहीं आते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। जो पढ़ा दिया गया है उसको आप लोग पढ़ते रहिए और उसको रिवाइज भी करते रहिए, नहीं तो वो भूल जाएगा, इधर का तो पूरा करते जाएंगे पीछे से चीज़ें भूल जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं जो आपने पढ़ रखा है उसका भी। ठीक, चलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फार्मूला पहले लिख दें, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपान सी आर,
ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया था डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सी इंटू आर जो है उसी को हम टाऊ बोलते हैं, उसी को हम लैम्डा बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसको आप बोलिए कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, और इसका जो मतलब यूनिट आता है वो वही यूनिट आता है जो टाइम का होता है, दैट इज सेकेंड। तो अगर आप कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की यूनिट रखेंगे तो टाइम कांस्टेंट की जो यूनिट आती है, सी की यूनिट तो पता ही होगा आपको, फेरड होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल एफ लिखेंगे। आर की यूनिट आप जानते हैं ये ओम होता है, ये दोनों यूनिट रखेंगे तो जो टाऊ की यूनिट निकल के आती है दैट इज सेकेंड, यानी टाइम का जो यूनिट होता है वही टाइम कांस्टेंट का होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि टी इज इक्वल टू टाऊ, अगर आप ये कह रहे हैं कि टाइम जो है वो टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, तो इस एक्सप्रेशन से रिजल्ट आ जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपान, ये पूरा जो टर्म है सी आर इस यही टाऊ होता है, तो अगर वो टाऊ इस टी के इक्वल है, अगर ये दोनों सेम है तो ये तो आपस में कैंसिल होंगे, और जब कैंसिल होंगे तो आएगा क्यू नॉट ई पावर माइनस वन, इसकी वैल्यू ये अपान में आ जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.632 क्यू नॉट, यानी आप ये कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू 0.632 क्यू नॉट। इसका मतलब क्या, ये क्यू था क्या, तो आपने कहा था, आपने शुरुआत में डेरिवेशन टाइम ये माना था कि एट एनी टाइम टी, एट एनी इंस्टेंट टी, किसी टाइम टी पर ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये जब कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो रहा था तो उसमें किसी टाइम टी पर आपने माना कि जो इसके पास चार्ज बचा हुआ था दैट इज क्यू। इसका मतलब कि जो बचा हुआ चार्ज है, जो लेफ्ट चार्ज है ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज 63.2%, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 63.2% ऑफ क्यू नॉट, यानी इस प्लेट्स पर जब चार्ज डिक्रीज हो रहा है डिस्चार्ज होते होते 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज बच जाएगा, लेकिन कितने टाइम में, ये उतने टाइम में चार्ज बचेगा जब टाइम की वैल्यू किसके इक्वल हो, टाइम कॉन्स्टेंट के इक्वल हो। तो यहां से आप टाइम कॉन्स्टेंट की डिफिनीशन बता सकते हैं, वाट इज टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट इज दैट टाइम इन विच द 1/3 ऑफ मैक्सिमम चार्ज ड्रॉप्स या रिमेन्स ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का 63.2% बच जाए, या यहाँ तक ड्रॉप होने में, यहाँ तक डिक्रीज होने में जितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो इसकी आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इज, डिफिनीशन है इसकी, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम इन विच द चार्ज ड्रॉप्स 1/3 भी इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, द चार्ज ड्रॉप्स, सॉरी ये 63. नहीं ये गलत है, यहां पर कितना आता है, ये तो चार्जिंग वाले केस में एक्सप्रेशन आता है ना, तो ये आता है आपका 0.368%, कितना आता है 0.368% आता है, और उसके अकॉर्डिंग ये जब रिजल्ट आता है इसको हम यहाँ पर यानी 36.8% भी बोलते हैं, तो ये 0.368 है ना, चार्जिंग वाले में आता है 63.2। तो चाहे एलआर सर्किट का जो ग्रोथ वाला केस होता है, और चाहे इस सीआर सर्किट में जो चार्जिंग का केस होता है, दोनों में 63.2% वाली बात, और उसका डीके का केस और इसका डिस्चार्जिंग का केस 0.368 आता है, यानी कि इसको 37% भी बोलते हैं, या 36.8% भी आप बोल सकते हैं। तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम इन विच द चार्ज ड्रॉप्स 1/3 का मतलब यही है, यहाँ पर 1/3 का मतलब कितना है, ये लगभग यही 36.8% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में कैपेसिटर के पास जो चार्ज बचता है वो मैक्सिमम चार्ज का 1/3, दैट इज 36.8%, ये एग्जैक्ट है और ये अप्रोक्सीमेट है, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन से ये रिजल्ट आया तो ये एग्जैक्ट बात हुई, ये अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि 1/3 का मतलब लगभग 33% के आसपास होता है, तो एक मोटा मोटा बोल सकते हैं 36% को भी हम 1/3 बोल सकते हैं।
तो ये तो डिफिनीशन हो गई टाइम कॉन्स्टेंट की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानते हैं वही ग्राफ वाला केस होता है। तो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम यही मेंशन करते हैं, जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तब जो रिजल्ट आता है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसको हम यहां पर लिख देते हैं, इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है अभी। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे एक्सप्रेशन नंबर, ये जो फाइनल इक्वेशन आया था, तो q इज इक्वल टू q नॉट e पावर माइनस t अपान cr, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dq अपान dt इज इक्वल टू, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आ जाएगा q नॉट और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर माइनस t अपान cr, और फिर इस जो इसके पावर में है इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा इनटू में माइनस वन अपान cr। तो माइनस में q नॉट e पावर माइनस t अपान cr लिख सकते हैं और अपान में cr, दैट इज इक्वल टू dq अपान dt। और यहाँ से आप देखिए q नॉट e पावर माइनस t अपान cr, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो ये q के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम q लिख सकते हैं, तो माइनस में q और अपान में cr, और ये है dq अपान dt, और ये जो रिजल्ट आ गया है dq अपान dt इज इक्वल टू ये माइनस q और अपान में जो cr है दैट इज tau, दैट इज टाइम कॉन्स्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन से ये फिर से पता चलता है dq अपान dt, और ये जो माइनस हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इस माइनस को अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो इससे पता क्या चल रहा है इस पॉइंट से, ये पॉइंट नंबर वन था, ये पॉइंट नंबर टू था, ये जो t इक्वल टू tau पर ये जो रिजल्ट आया है तीसरे वाले पॉइंट में, माइनस dq अपान dt इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू q अपान tau, दैट मीन्स वन अपान tau, इससे क्या पता चलता है, dq अपान dt का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट या रेट ऑफ ये चेंज इन चार्ज, लेकिन ये चेंज इन चार्ज में माइनस जो टर्म है वो ये बता रहा है कि ये चेंज किस तरह का है, वो डिस्चार्ज वाली बात है, डिक्रीज होने वाली बात है। माइनस का मतलब ये कि विथ रिस्पेक्ट टाइम बढ़ रहा है तो चार्ज घट रहा है, जैसा कि हमने डेरिवेशन टाइम यूज भी किया था वो टर्म। तो इसका मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डिस्चार्जिंग, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग, तो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग इज inversely proportional to the time constant, तो rate of discharging proportional to 1 upon tau, इसका मतलब ये कि अगर tau की value ज़्यादा होगी तो जो rate of discharging है, जो rate of discharging है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि अगर time constant ज़्यादा है तो जो discharge होने वाले phenomena है वो slow हो जाएगी, धीरे धीरे charge decrease होगा, धीरे धीरे charge discharge होगा, capacitor discharge होगा, ठीक है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं इफ tau इज लेस देन माइनस ऑफ dq अपॉन dt इज हाई, मतलब अगर टाइम कांस्टेंट कम है सर्किट का तो जो डिस्चार्ज होने वाला रेट है वो बढ़ जाएगा, मतलब तेजी से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इन दोनों बातों को लेकर आप फिर से वही सेम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मान लीजिए कि इस एक्सिस पर टाइम को दिखा रहे हैं और इस एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं चार्ज को, यहाँ मान लीजिए ये मैक्सिमम चार्ज है और यहाँ पर कहीं आप दिखा सकते हैं वही 0.368% ऑफ क्यू नॉट, और ऐसे केस में अगर डिस्चार्जिंग का हम ग्राफ खींचे, एक ग्राफ ये हो गया, एक और ग्राफ खींच सकते हैं, एक और ग्राफ खींच सकते हैं, तो ये जो पहला वाला ग्राफ है ये देखिए बहुत तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है, तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है मतलब कि रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ज़्यादा है, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ज़्यादा होने का मतलब लैम्डा की वैल्यू कम है, तो ये स्मॉल लैम्डा के लिए है, स्मॉल लैम्डा या स्मॉल टाउ के लिए, और ये लार्ज लैम्डा या लार्ज टाउ के लिए, ठीक है। तो तीसरा जो पॉइंट है उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि जो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है वो टाइम कांस्टेंट पर, सर्किट के टाइम कांस्टेंट पर किस तरीके से डिपेंड करता है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, आपका ये टॉपिक डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस आर, यानी आरसी सर्किट में जो कैपेसिटर होता है वो कैसे डिस्चार्ज होता है, उसका आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने से पता चला कि नेचर क्या होगा, साथ ही साथ इस एक्सप्रेशन से आपने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए। तो हर क्लास की तरह इस क्लास में भी अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, वही सीआर सर्किट, आरसी सर्किट इज 5 सेकेंड, हाउ मच टाइम द कैपेसिटर विल टेक टू डिस्चार्ज टू 1/e3 ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज। तो इस आरसी सर्किट के डिस्चार्जिंग का केस है और
टाइम कांस्टेंट 5 सेकेंड है, यानी टाउ इज इक्वल टू सी आर की वैल्यू है 5 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है कि 1/e^3 ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज, यानी जो डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर उसके बाद कितना चार्ज डिस्चार्ज होने की बात हो रही है, तो मैक्सिमम का 1/e^3 ये कंडीशन में दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मच टाइम द कैपेसिटर विल टेक, यानी इस तरीके का अगर डिस्चार्जिंग का ये कंडीशन आपको दिया गया है तो आपको बताना है कि इतना डिस्चार्ज होने में, इतना ड्रॉप होने में चार्ज को कितना टाइम लगेगा, यानी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, डिस्चार्जिंग आप कैपेसिटर का जो एक्सप्रेशन होता है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपान सी आर, इसको यूज कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू रख देंगे 1/e^3 क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी, यही टी फाइंड आउट करना, और अपान में जो सी आर है दैट इज टाइम कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 5, तो यहाँ रख दिया हमने 5। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो 1/e^3 इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी अपान 5, तो इसको अपान में करेंगे तो आ जाएगा 1/t^t/5। कंपेयर कर देंगे दोनों को तो आप लिख सकते हैं e^3 इज इक्वल टू e^t/5, और फिर से कंपेयर कर दीजिए इनके पावर्स को, e और e बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो 3 इज इक्वल टू t/5, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 15 सेकेंड, यानी कितना टाइम लगेगा, इतना डिस्चार्ज होने में 15 सेकेंड का टाइम लगेगा अगर उस RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट 5 सेकेंड होगा तब, ठीक है। और ये देखिए कितना प्यारा सा, कितना सुंदर सा आंसर आया है। ऐसा बहुत रेयर होता है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट या फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो क्वेश्चंस होते हैं उसको जब सॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादातर डेसिमल में आ जाते हैं, क्योंकि लॉग वाला टर्म हमेशा आपको मिल जाता है, ई के पावर में ये फंक्शन होते हैं तो लॉग लेने की ज़रूरत पड़ती है, और लॉग लेते हैं तो लॉग वाली जो वैल्यूज़ आती हैं वो अक्सर डेसिमल में आपको मिलती हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा रेयर होता है। खैर, इस क्वेश्चन को आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको आप नोट कर लीजिए। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, यानी किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है, डिस्चार्जिंग का केस हो रहा है, रेजिस्टेंस उसका जो उसमें रेजिस्टेंस लगा है वो 1 mega ohm है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर हाफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू एस्केप, कैपेसिटर पर से आधे चार्ज को एस्केप करने में, यानी आधा चार्ज अगर एस्केप कर जाएगा तो बचा हुआ चार्ज कितना होगा, वो भी आधा ही होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि आधा डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, ये भी पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इस बार टाइम कांस्टेंट नहीं दिया है, इस बार रेजिस्टेंस दिया हुआ है अलग से, और रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है। तो फार्मूला तो वही यूज होगा, लेकिन सबसे पहले कैपेसिटेंस देख लीजिए कितना है। सी की वैल्यू है 0.5 microfarad, और माइक्रो है तो इसको आप 10^-6 लिख सकते हैं, इतना फैरड। और दूसरा है रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 mega ohm, रेजिस्टेंस है 1 mega ohm, मेगा मतलब 10^+6, माइक्रो और मेगा में डिफरेंस याद रखिएगा, इतना ओम। और आगे कह रहे हैं कि जो डिस्चार्ज होना है मतलब कितना स्किप करेगा, आधा स्किप कर जाएगा चार्ज, तो बचेगा कितना, वो भी आधा बचेगा, यानी लेफ्ट चार्ज क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, या क्यू नॉट अपॉन 2 कर सकते हैं इसको आप। ये क्वेश्चन के कंडीशन हमने बना लिए, आपको यही टाइम फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग आप कैपेसिटर का फार्मूला Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपान सी आर। देखिए बाकी न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक्स वगैरह अवेलेबल हो, क्वेश्चंस अवेलेबल हो, हम तो इसलिए क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं ताकि आपको जो टर्म उसमें यूज हो रहे हैं उनको देखने का, उनको यूज करने का तरीका पता हो, अप्रोच पता हो जाए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप 10-20 क्वेश्चन तो एक टॉपिक के ऊपर कर नहीं सकते हैं, सिलेबस को भी ध्यान रखना और हर टॉपिक का एक लगभग आइडिया आपके पास रहे तो अच्छा ही होगा, तो इसलिए हम ये क्वेश्चंस कराते हैं। Q की जगह पर आप लिख दीजिए क्यू नॉट अपान 2, और ये आपका क्यू नॉट ई पावर माइनस टी फाइंड आउट करना है अपान सी इंटू आर, आप निकाल सकते थे यहाँ से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सी और आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 10^0 आएगा, 10^0 की वैल्यू 1, और ये आपको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0.5। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी अपान 0.5, और इसको आप लिख सकते हैं e^t/0.5, है ना, अपान में करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। और लॉग ले लीजिए दोनों साइड का, जब लॉग ले लेंगे तो e के पावर में जो वैल्यू है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि लॉग e पावर x, ये ध्यान रखिएगा, लॉग e के पावर x बेस e के अलावा जो दूसरा e है, तो ये वैल्यू x के इक्वल होती है। ये फार्मूला खूब यूज होता है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में,
तो अगर आप इसका लॉग ले लेते हैं तो ये आ जाएगा टी अपान में 0.5, और इधर तो लॉग रहेगा ही, लॉग 2 और बेस ई। तो आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 0.5 और लॉग 2 बेस ई। वैसे लॉग 2 बेस ई की वैल्यू तो याद ही कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट करके करेंगे तो पहले तो आपको 2.3026 इनटू और लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो भी आप याद रखिए। तो t इज इक्वल टू 0.5 इनटू और इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 0.6932, और ये 0.5 का मतलब हो गया क्या, 1/2। तो अगर ये 1/2 है तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.3 और उसके बाद 4 और उसके बाद 6 और टाइम है तो यूनिट क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड सी की वैल्यू और डिस्चार्ज थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस, द टाइम टेकन टू डिस्चार्ज, टाइम फिर से पूछा जा रहा है, हाफ ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर वाज फाउंड टू, अच्छा टाइम दिया हुआ है, फाइंड आउट नहीं करना है। हाफ डिस्चार्ज होने में, पूरे कैपेसिटर का आधा चार्ज खत्म होने में इतना टाइम लगता है, इस बार रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो जो जो वैल्यूज गिवेन है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं और फिर जो हमको फाइंड आउट करना है वो हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूला यूज करते हुए। तो 2 माइक्रोफेरेड सी की वैल्यू, 2 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड है तो 2 × 10⁻⁶ करेंगे, ये फेरेड हो जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू गिवन है वो टाइम की वैल्यू गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड, और कितने, ये किस चीज़ का टाइम दिया हुआ है, तो आधा डिस्चार्ज होने में, यानी जो लेफ्ट चार्ज है वो इनिशियल चार्ज का आधा है। क्या पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस आर पूछा जा रहा है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फार्मूला डिस्चार्जिंग का केस है तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर टी अपान सी आर, ये फार्मूला यूज करेंगे। वैल्यू पुट करिए, यह आ जाएगा क्यू नॉट अपान टू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपान सी आर एज इट इज, अभी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ई पावर माइनस टी अपान सी आर इज इक्वल टू 1/2, तो जब इसका माइनस हटाएंगे मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ई पावर टी अपान अगर सी आर लिखेंगे तो ये 2 के इक्वल होगा। लॉग ले लीजिए दोनों साइड का, लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका टी अपान सी आर, और इधर लॉग लेंगे तो लॉग 2 बेस ई हो जाएगा। R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो R इक्वल टू आ जाएगा T अपान में C और उसके साथ में log 2 और बेस E। T की वैल्यू पता है 20, C की वैल्यू पता है 2 × 10⁻⁶, और log 2 की वैल्यू भी आप जानते हैं। सबकी वैल्यू रख दीजिए, 20 अपान C की वैल्यू 2 × 10⁻⁶ और इंटू log 2 की वैल्यू बेस E पर आता है 0.6932, और ये पूरा सॉल्व आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू और किस में आएगी, ओम में आएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो ये जो टॉपिक था आपका डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर, ये कंप्लीट हो गया। इसके पहले भी 3 टॉपिक हमने पढ़ा रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए। नोट्स भी हर डिस्क्रिप्शन के लिंक में, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स भी साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो नोट्स भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर यहाँ से डायरेक्ट नोट करने में दिक्कत आ रही। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।